हे एवरीवन, आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। आज मैं आपके साथ साउथ की लेमन राइस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यह बनाना बहुत ही आसान है। मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच भर के तेल डाला और उसमें जीरा, राई, उड़द की दाल, चने की दाल और एक खड़ी लाल मिर्च का तड़का लगाया। अब इसको मैं धीमी आंच पे भूनूंगी। यह बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। आप शाम को कभी भी इसको बना के खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश चावल ही बनाएं। अगर आपके पास रात के बचे हुए चावल हैं, आप उससे भी इसको बना सकते हैं। यह बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। देखिए, मेरा तड़का धीरे धीरे लाल हो गया है। अब मैं इसमें 5-6 कड़ी पत्ते डालूंगी और इसको धीमी आंच पे ही आप मिलाते रहिएगा, नहीं तो तड़का जल जाएगा। अब इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे हम डालेंगे चावल। चावल डालने के बाद हम इनको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। यह बहुत ही आसान है, फटाफट से बन जाती है। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप बच्चों के लिए भी बनाएंगे, उनको भी बहुत पसंद आएगा। इसको अच्छे से मिलाने के बाद मैंने इसमें 1.5 चम्मच के आसपास नींबू का रस डाला है, जिससे ये थोड़ा तीखा थोड़ा खट्टा बनता है और खाने में तो क्या ही कह सकते हैं। अब मैं इसको वापस से अच्छे से मिला लूँगी। लास्ट में मैंने इसमें हरी बारीक कटी हुई धनिया का पत्ती डाला और एक बार वापस से चला रही हूँ। आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, यह फटाफट से बन जाती है। देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कुकिंग ब्लॉग में। बाय बाय।